काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर मॉक टेस्ट कैसे सोल्व करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भी आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो या एमसीक्यू बेस पे हो तो मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी टॉपर का वीडियो देखना, वो बोलेगा कि मैंने मॉक टेस्ट सोल्व करें, या आईएएस का पेपर हो या एसएससी हो या हमारा यूजीसी नेट एग्ज़ाम हो, मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मॉक टेस्ट कैसे सोल्व करना है और कितने सोल्व करना है कि आपका नेट और जारेफ हो जाओ। हे गाइस एंड वेलकम टू फिल्लर फॉर्म, माय नेम इज जितेंद्र गोस्वामी और आपका स्वागत है फिल्लर फॉर्म पर। सो गाइस, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिल्लर फॉर्म ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा क्रेश कोर्स लॉन्च हो चुका है, तो अधिक जानकारी के लिए आप फिल्लर फॉर्म ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला 18 जून को, ये एग्ज़ाम होगा आपका OMR सेट के ऊपर, मतलब ऑफलाइन। पहले ये एग्ज़ाम होता था ऑनलाइन, जहाँ पर MCQ बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब फिल्लर फॉर्म पे करीब 50 से ज़्यादा फ्री मॉक टेस्ट है, तो आप फिल्लर फॉर्म ऐप डाउनलोड करके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। पर मॉक टेस्ट देना कैसे और कितने देना है, तो देखो सिंपल से बात है। मॉक टेस्ट देने का मतलब होता है कि अपनी लेवल को पता करना कि मेरे को कितना आता है कितना नहीं आता है। दूसरा होता है एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना। फिल्लर फॉर्म पे जितने भी मॉक टेस्ट है वो पूरे एग्ज़ाम को पैटर्न को देख के ही यहाँ पर बनाया गया। अब सबसे पहले मान के चलिए आप बिल्कुल नए हो, फ्रेशर हो, आपने एक मॉक टेस्ट दिया, अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन कहाँ से, पर आपने दिया, आपने 20 क्वेश्चन सोल्व करें। अब 20 में से आपके 4 नंबर आ गए, मतलब 2 क्वेश्चन आप लोगों ने सही करें, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि यार मेरे जो 2 क्वेश्चन सही हुए ना, वो रियल में सही हुए या मैंने तुक्के मारे। देखो, अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। आपने लगे हाँ यार 2 तो मुझे आता है। अब जो 18 क्वेश्चन आपको नहीं आए ना, उनको टॉपिक उनको नोटबुक में लिखो टॉपिक वाइज कि कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन जो मुझे नहीं आया, फिर उनके बारे में आप पढ़ो, ठीक है। ऐसे आगे चलते जाओ, फिर मान के चलो आपकी तैयारी अच्छी हो गई। अब आपने एक दिन दिया 20 क्वेश्चन, अब 20 क्वेश्चन सोल्व करे आपने आधे घंटे में। अब वहाँ से क्या समझना है कि मेरी जो टाइमिंग की स्पीड है ना बहुत ख़राब है, मुझे 20 क्वेश्चन 10 मिनट में सोल्व करना है। तो ये कहाँ से स्पीड इंक्रीज होगी, मॉक टेस्ट से। बार बार दो, बार बार दो, समझने की कोशिश करो क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, वहाँ पर पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि देखो यार, एक कहावत है ना कि अभ्यास अभ्यास करो सब कुछ हो जाता है, सब कुछ अभ्यास का खेल है। जैसे अभी हाल ही में जो नीरज चोपड़ा ना गोल्ड मेडल जीता, उन्होंने बोला कि एक दिन गोल्ड मेडल जीतने के लिए मुझे 4 साल से मेहनत करनी पड़ती है। तो वही है भाई, जितना अभ्यास करोगे उतना फ़ायदा होगा। और इस बार जो एग्ज़ाम होगा गाइस, वो आपका इस सीट पर होगा जिसको हम लोग बोलते हैं OMR सीट। इसको फील कैसे करना है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया, तो आप वो वीडियो देख लेना, वहाँ पर आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं सर कितने मॉक टेस्ट दें, तो करीब गाइस आपको 50 से 100 मॉक टेस्ट देना होगा, मतलब करीब 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन आपको एक मॉक टेस्ट में देना ही होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये कहाँ मिलेंगे गाइस, देखो जहाँ से तक मुझसे हो सकता, मैंने फ्री 50 मॉक टेस्ट हमारे फिल्लर फॉर्म ऐप में डाल दिए, तो वहाँ आप डाउनलोड करो, वहाँ दे लो। वही मिनिमम प्राइस में हम लोगों ने मॉक टेस्ट का पैकेज भी बना दिया है, पेपर 1 का, पेपर 2 का, दोनों पेपर का, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।